तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मूवीक्विक ऐप पर पॉकेट यूपीआई आईडी बनाने का तरीका बताने जा रहा हूँ, जिससे आप लोग आसानी से मूवीक्विक ऐप पर अपना खुद का पॉकेट यूपीआई आईडी बना सकेंगे। तो दोस्तों आप लोग भी मूवीक्विक ऐप पर अपना खुद का पॉकेट यूपीआई आईडी बनाने के लिए इस तरफ स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दे रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक बिना स्किप किए हुए देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए इसके लिए सबसे पहले मूवीक्विक ऐप को ओपन कर लेते हैं। मूवीक्विक ऐप को ओपन करने के बाद वेट करने के बाद अनलॉक कर लें। अनलॉक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। इंटरफेस खुलकर आने के बाद अब आप यहाँ पर नीचे की ओर नजर आ रहे पॉकेट यूपीआई पर क्लिक करें। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही इस प्रकार का फिर से यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शंस आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर सबसे ऊपर नजर आ रहे क्रिएट पॉकेट यूपीआई आईडी वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से विंडो आ जाएगा। अब आपका मोबाइल नंबर जिस भी बैंक अकाउंट में रजिस्टर है उस मोबाइल नंबर वाले सिम को सेलेक्ट कर लें। तो जैसे कि मैं चलिए एक नंबर वाले सिम को सेलेक्ट कर लेता हूं, क्योंकि मेरा एक नंबर वाला सिम ही मेरे बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड है। तो चलिए क्लिक करके सेलेक्ट कर लेते हैं। सिम को सेलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पर नीचे की ओर नजर आ रहे वेरीफाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद वेट करें, थोड़ी देर प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग कंप्लीट अभी हुआ नहीं है। तो चलिए नीचे की ओर क्लिक कर देते हैं गोट इट वाले ऑप्शन पर। क्लिक करने के बाद वेट करें। वेट करने के बाद अब फाइनली पॉकेट यूपीआई आईडी बनकर तैयार हो गया है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं नीचे की ओर देखने को मिल रहा है। पॉकेट यूपीआई आईडी देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों इन सभी तरीके को इस्तेमाल करके आप लोग भी मूवीक्विक ऐप पर अपना खुद का पॉकेट यूपीआई आईडी बना सकते हैं। तो दोस्तों मेरी ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर करें। साथ ही जो नए हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो पर।